सैमसंग का जो एम सीरीज होता है वो काफी खास किस्म के फीचर्स के साथ लॉन्च होता है। इसका प्राइस भी कहीं ना कहीं कम रहता है, साथ में इसका फीचर्स और स्पेक्स काफी खास किस्म का होता है। हाल ही में सैमसंग ने लॉन्च किया था सैमसंग गैलेक्सी M31, मैं यूज कर रहा हूं और कहीं ना कहीं मुझे ये अच्छा लग रहा है। अभी सैमसंग की तरफ से और एक एम सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है भारत में बहुत जल्द। M31 से ये थोड़ा सा कम पावरफुल होगा, सैमसंग गैलेक्सी M11। आज इस वीडियो में मैं सैमसंग गैलेक्सी M11 के बारे में बताऊंगा, इसका स्पेक्स और फीचर्स क्या है, इसका प्राइस क्या होने वाला है, कब तक भारत में ये लॉन्च होगा, यानी कुल मिला के सैमसंग गैलेक्सी M11 का स्पेक्स रिव्यू। मेरा नाम है सुमन, तो चलो करबो ना आर देरी, शुरू करी तातड़ी। सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि ये अभी ऑफलाइन में भी मिल रहा है। अब M31 ये जो स्मार्टफोन ये तो ऑनलाइन पे भी मिल रहा है और ऑफलाइन पे भी। गैलेक्सी एम सीरीज का जो प्राइस होता है वो कहीं ना कहीं ए सीरीज से कम रहता है, और हाँ कुछ फीचर्स को अगर ना देखा जाए गैलेक्सी ए सीरीज से एम सीरीज का फीचर्स भी काफी अच्छा होता है। सैमसंग लॉन्च करेगा गैलेक्सी एम सीरीज के अंदर M11, और इसका जो कलर वो मुझे अच्छा लगा, वो जो पर्पल कलर में वो काफी अच्छा लग रहा है। अभी ये स्मार्टफोन आपको बहुत जल्द भारत में देखने को मिल जाएगा, इस महीने के अंत तक या तो नेक्स्ट महीने पे आपको ये स्मार्टफोन भारत में देखने को मिल जाएगा। अभी इस फोन में आपको कुछ अलग फीचर्स मिलता है, अच्छा फीचर्स मिलता है, जैसे डिस्प्ले 6.4 इंचेस का आपको एक HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। यहां पे थोड़ा सा मैं नाराज हूं HD प्लस क्यों, पर उसी समय आपको सुपर एमोलेड पैनल भी देखने को मिल जाएगा, और वो भी कॉर्नर में आपको एक इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिलेगा, यानी पंचोल डिस्प्ले। तो सैमसंग ब्रांड है तो आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज तो करना ही होगा, बेजल्स काफी कम है पर हाँ चिन्ह थोड़ा सा ज्यादा आपको मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी दिया गया है वो फिर से पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल किया गया है, यानी पीछे में आपको प्लास्टिक ही देखने को मिलेगा सिंगल कलर में, पर वो जो पर्पल कलर वो आपको काफी ज्यादा लुभाएगा। 3 कैमरा का मॉड्यूल भी आपको पीछे में देखने को मिलेगा और फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ सैमसंग का लोगो। साइड का जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का है। अभी इस फोन में आपको 2 वेरिएंट मिल जाएगा, 3GB और 32GB रैम एंड रोम के साथ, और 4GB 64GB रैम एंड रोम वेरिएंट के साथ। अच्छा बात ये है यहाँ पे आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल रहा है, यानी 2 सिम और 1 microSD कार्ड का उपयोग आप कर पाओगे। वाईफाई शेयरिंग और कॉलिंग ओवर वाईफाई भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अभी प्रोसेसर इस फोन में यानी M11 में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 450 ये प्रोसेसर दिया गया है, जो 14 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी पे आधारित है। ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, 1.8 GHz पे ये क्लॉक्ड है। साथ में यहाँ पे आपको 506 ये एड्रिनो का GPU भी मिल जाएगा, तो गेमिंग ठीक ठाक होगा, डे टू डे यूसेज में ये आपको काफ़ी लुभाएगा। बात करते हैं यहाँ पे कैमरास की, तो पीछे में आपको 3 कैमरा मिलेगा, जो प्राइमरी कैमरा वो 13 MP का F1.8 अपर्चर के साथ, दूसरा कैमरा 5 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस F2.2 अपर्चर के साथ, और अंत में आपको 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलेगा F2.4 अपर्चर के साथ, और वो जो सामने में इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले जहां पे आपको 8 MP का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा F2.0 अपर्चर के साथ। यहां पे आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगा, पर आपको स्लो मोशन टाइम लैप्स के साथ नाइट मोड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। 5000mAh बैटरी भी यहां पे दिया गया है, USB टाइप सी मिलेगा, 15W का आपको फास्ट चार्जर भी दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा है इस प्राइस रेंज में। और इसमें आपको सभी सेंसर्स मिलेगा, फेस अनलॉक का फीचर्स, पीछे में फिंगरप्रिंट स्कैनर, UI 2.0 पे ये रन हो रहा है, और साथ में एंड्रॉयड 10 आपको मिल जाएगा। तो ये था कुल मिला के सैमसंग गैलेक्सी M11। इसका प्राइस क्या होगा, अंडर 10,000 में इसका बेस वेरिएंट यानी 3GB 32GB वाला वो आ जाएगा। चलिए वेट कीजिए, मैं भी वेट कर रहा हूँ, सैमसंग गैलेक्सी M11 आखिर सक्सेस होगा या नहीं।